तो यार कैसे हैं आप लोग, स्वागत है आप सभी का एक ब्रांड न्यू वीडियो में। एंड यार फोरम पे एक बहुत ही जबरदस्त पोस्ट आया रिगार्डिंग दी एनिवर्सरी लाइव स्ट्रीम, तो चले चलते हैं उस पोस्ट को फोरम पे देख लेते हैं एंड वी विल डिस्कस अबाउट द रेस्ट ऑफ द टॉपिक लेटर इन द वीडियो। बट सबसे पहले चलते हैं और ये देख लेते हैं। तो यहाँ पे 8 ईयर एनिवर्सरी सेलिब्रेशन लाइव स्ट्रीम है विच इज द लेटेस्ट पोस्ट ऑन द फोरम एंड विल चेक इट आउट। सब हमें बोला जा रहा है ग्रीटिंग्स एजेंट्स, दिस इज द सीएम प्राइमेट ऑफ माउल फ्यूचर फाइट। In celebration of the 8 year anniversary, we would like to share some information on the 8 year celebration. May update with our gratitude. Be sure to join the live stream through YouTube and Facebook if you are interested in the latest news of Marvel Future Fight. You can also earn rewards by registering the coupon that will be revealed on the live stream page. Be sure to check out the information below. Obviously, हमें पता है MFF 8 years is the coupon code जो कि obviously leak हो चुका था from the Korean page, but we'll see, हो सकता है different coupon code हो। और यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो लाइव स्ट्रीम स्केड्यूल 28/4 और 27/4 ये पीडीटी पे है। सो बेसिकली अगर मैं आपको बताऊं तो दिस इज गोइंग टू बी ऑन 28th of April इन इंडिया मॉर्निंग 6:30। तो 28th April मॉर्निंग 6:30 इज द टाइम इन इंडिया जब ये लाइव स्ट्रीम आपको यूट्यूब और फेसबुक पर देखने को मिलेगा। सो दैट इज समथिंग दैट यू शुड नो अबाउट बिकॉज 27th April 6 PM पीडीटी, बिकॉज इंडिया आगे चलता है तो पीडीटी से इंडिया अराउंड 12.5 घंटे आगे चलता है। तो ऑब्वियसली 6 PM पीडीटी 27 तारीख का जब हो रहा रहेगा पीडीटी वाले जगह पे, तो इंडिया में सुबह के 6:30 बज रहे होंगे 28 तारीख के। सो दैट इज़ वाई सेट कि 6:30 बज रहा होगा। ओके सो दैट इज समथिंग दैट यू शुड नो। और अगर हम देखेंगे तो यहाँ लाइव स्ट्रीम का पोस्टर में इट इज़ कन्फर्म्ड गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी वॉल्यूम 3 इज गोइंग टू बी द एनिवर्सरी अपडेट जो कि आने वाला है मार्वल फ्यूचर फाइट में। कॉस्ट्यूम्स इंस्पायर्ड बाय मार्वल स्टूडियोज गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी वॉल्यूम 3। तो यहाँ पे हम ऑब्वियसली देख सकते हैं रॉकेट रकून और स्टार लॉर्ड दिख रहा है हमें। तो दिस इज कन्फर्म्ड दैट टीम सूट आएंगे इनके, यानी कि सभी के पास एक जैसे सूट होंगे जैसा कि गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी मूवी में हम देख सकते हैं नोवा कॉप्स का, या फिर गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी का अपना लोगो है, ये नोवा कॉप्स का ही लोगो है आई बिलीव। या सो यहाँ पे स्टार लॉर्ड दिख रहा है पीटर क्विल एंड वी कैन सी रॉकेट रकून। सो व्हाट डज दिस मीन? सो सबसे पहले चीज, स्टार लॉर्ड का TF4 यहाँ से हम अज्यूम कर सकते हैं इज प्रीटी मच गारंटीड। और दूसरा हम एक चीज अज्यूम कर सकते हैं कि रकून को अवेकनिंग या फिर TR3 इज गारंटीड। अलॉन्ग विद दैट वी कैन ऑल्सो टेक अवे कि बाकी के टीम मेंबर्स को भी यूनिफॉर्म मिलेगा, बिकॉज इन द मूवी ऑल ऑफ देम आर वेयरिंग दिस कॉस्ट्यूम। एंड आई बिलीव गमोरा, बिकॉज शी इज द गमोरा फ्रॉम द पास्ट, इसलिए शी इज गोइंग टू प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन दिस मूवी। एंड फॉर दैट रीजन आई बिलीव गमोरा को भी यूनिफॉर्म मिलना चाहिए, इवन दो पीपल आर सेइंग कि गमोरा को नहीं मिलेगा, बट पता नहीं क्यों मेरे को गमोरा का यूनिफॉर्म चाहिए। तो नेबुला को तो बहुत टाइम से रिवर्क नहीं मिला, सो शी डेफिनेटली नीड्स द यूनिफॉर्म। गमोरा, ड्रैक्स, मैंटिस हु इज वेरी वेरी नेग्लेक्टेड इन द गेम सो फार, सो मैंटिस को डेफिनेटली अवेकनिंग तो है उसके पास, बट यूनिफॉर्म मिल जाएगा तो अच्छा रहेगा। ग्रूट, रॉकेट रकून एंड पीटर क्विल, सो 7 मेंबर्स ऑफ द गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी एंड सभी सातों को उनका टीम यूनिफॉर्म मिलेगा। सो वो बेसिकली 1050 क्रिस्टल के हिसाब से 7350 क्रिस्टल्स हो गए हैं अपडेट को लेकर। अलॉन्ग विद दैट आई एम सर्टेनली श्योर कि एडम वॉर्लॉक को भी यूनिफॉर्म मिलेगा, बिकॉज ही इज प्लेइंग अ मेजर रोल इन द मूवी। सो दैट इज अनदर 1500 क्रिस्टल्स यू कैन ऐड ऑन 40% सेल, बट एनिवर्सरी पे वी नो 50% सेल है, सो वी कैन टेक इट एज 1250 एंड 875 ईच फॉर दीज कैरेक्टर्स। सो 1250 गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी का हो गया। अलॉन्ग विद दैट जिसने गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी एडम वॉर्लॉक जिनके पास नहीं है उनको क्रिस्टल से परचेस करना पड़ेगा, सो दैट इज ऑल्सो अ वेरी ह्यूज अमाउंट ऑफ क्रिस्टल्स जो कि आपको देने पड़ते हैं टू गेट एडम वॉर्लॉक। उसके बाद अगर हम बात करें तो देर इज ऑल्सो हाई एवोल्यूशनरी हु ऑल्सो हैज अ वेरी हाई चांस टू गेट अ यूनिफॉर्म, यू सी व्हाट आई डिड देयर। सो हाई एवोल्यूशनरी आ सकता है गेम में, ही कैन बी अ पेवॉल, ही कैन बी अ नेटिव TR3, ही कैन बी अ नेटिव TR4 जो कि बहुत ही कम चांस है होने का। आई डोंट थिंक नेटिव TR4 के लिए हम रेडी है गेम में, सो आई बिलीव ही शुड बी अ नेटिव TR3 अगर वो आता है गेम में, बिकॉज ही इज अ रियली स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर। और अगर वो एक नया वर्ल्ड बॉस की तरह भी आता है या फिर एक नया GBR की तरह आता है, सो आई वुड लव टू सी दैट, बिकॉज ऑलरेडी इट्स बिकमिंग मोर और लेस ईजी टू डू GBR Dormammu nowadays। सो थोड़ा सा चैलेंज रहेगा गेम में तो मजा आएगा, एंड मे बी TR4 ड्रॉप रेट थोड़ा हायर रहेगा तो उसमें भी काफी अच्छा रहेगा, क्योंकि करेंटली हम नहीं कर पा रहे कोप अप विद द TR4 दैट इज कमिंग इन द गेम। सो ये है पूरा पैकेज गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी का। ओके सो साथ ही साथ योंडू को रिप्लेस जिस कैरेक्टर ने किया, आई डोंट रिमेंबर हिज नेम, सो ही इज ऑल्सो वेयरिंग द कॉस्ट्यूम इफ यू हैव सीन द मूवी ट्रेलर। सो मे बी ही विल ऑल्सो गेट अ विल कम एज अ न्यू कैरेक्टर, और मे बी उसको योंडू का यूनिफॉर्म बना के दिया जाएगा, वी डोंट नो अबाउट दैट बिकॉज इज अ डिफरेंट पर्सन। मे बी ऐसा ना करे, उसे एक नया कैरेक्टर जैसे इंट्रोड्यूस करे, और मे बी ना ही करे,
पूरी तरीके से इग्नोर कर दिया जाए. सो वी विल सी एनिवर्सरी पे क्या क्या अनाउंसमेंट होते हैं. आई एम रियली एक्साइटेड अबाउट इट. सो लेट सी वॉट डज एनिवर्सरी हैज इन स्टोर फॉर अस. और यहाँ पे बताया जा रहा है कि आप कूपन को कैसे रजिस्टर कर सकते हो. ऑब्वियसली आप सेटिंग में जाके देख सकते हो और वहाँ से कॉपी वगैरह करके आप देख सकते हो. तो एन्जॉय द लाइव स्ट्रीम एंड लर्न मोर अबाउट द अपडेट. सो आई विल डेफिनेटली मेक अ रिएक्शन वीडियो ऑन द लाइव स्ट्रीम एंड विल सी कि कैसा जाता है लाइव स्ट्रीम, क्या होता है लाइव स्ट्रीम में, क्या ये कैरेक्टर्स जबरदस्त होते हैं. आई होप दे शोकेस द कैरेक्टर्स अलॉन्ग विद द सेलिब्रेशन ऑफ द एनिवर्सरी. बट विल सी, आई एम रियली हाइप्ड अप अबाउट द एनिवर्सरी. और साथ में आज हमें एक टियर 3 सिलेक्टर मिल रहा है. सो मे बी पीपल कैन गो अहेड विद द वीडियो विच आई हैड मेड फॉर द टियर 3 सिलेक्टर गाइड. तो आपको आई आइकन पे वो मिल जाएगा अगर आप क्लिक करोगे तो. सो अभी दैट इस वीडियो को इंपेंड करते हैं. अगर आपकी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना. मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में. तब तक के लिए पीस आउट, टेक केयर, बाय.